हेलो गाइस, टेक न्यूज के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज की पहली न्यूज है IQOO की तरफ से। तो आज IQOO ने उनके अपकमिंग फ्लैगशिप स्मार्टफोन IQOO 7 का ऑफिशियल फर्स्ट लुक शोकेस किया है, और वो फर्स्ट लुक मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ। जैसे पता चलता है कि इस स्मार्टफोन में ट्रिपल रियर कैमरा दिखने को मिलेंगे। इन स्मार्टफोन की कैमरा डिजाइन एग्जैक्ट वीवो V20 जैसे ही होने वाली है। इस स्मार्टफोन का एक लाइव इमेज भी लीक हो चुका है, जैसे पता चलता है कि इस स्मार्टफोन में सिंगल पंच और सेल्फी कैमरा वाली डिस्प्ले भी दिखने को मिलेगी। और दोस्तों, IQOO ने ये कंफर्म कर दिया है कि ये स्मार्टफोन वो लोग जल्द ही चाइना में लॉन्च करने वाले हैं। तो दोस्तों, क्या आप लोग IQOO 7 के लिए एक्साइटेड हो या फिर नहीं, आप वो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं। तो दोस्तों, आज ओप्पो ने ऑफिशियली कंफर्म कर दिया है कि उनके अपकमिंग फ्लैगशिप स्मार्टफोन ओप्पो रेनो 5 प्रो प्लस के अंदर 50 मेगापिक्सल का सोनी IMX766 का सेंसर दिखने को मिलेगा। यह स्मार्टफोन वर्ल्ड का पहला स्मार्टफोन होने वाला है जिसमें यह सेंसर दिखने को मिलेगा। ओप्पो ने यह भी कहा है कि इस स्मार्टफोन में स्नैपड्रैगन A65 का प्रोसेसर एंड 65 वॉट फास्ट चार्जिंग का भी सपोर्ट मिलने वाला है। और दोस्तों, यह स्मार्टफोन 24 दिसंबर को चाइना में लॉन्च हो जाएगा। तो दोस्तों, कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया था कि Xiaomi का फ्लैगशिप स्मार्टफोन Mi 11 इसी महीने लॉन्च होने वाला है, और आज मैं आपको कंफर्म बता सकता हूं कि Mi 11 सीरीज इसी महीने चाइना में लॉन्च हो जाएगी, क्योंकि Xiaomi के CEO एंड Xiaomi के वाइस प्रेसिडेंट ने ऑफिशियली टीज करना शुरू कर दिया है कि उनका नया फ्लैगशिप स्मार्टफोन वो लोग जल्द ही लॉन्च करने वाले हैं। लीक से ऐसी जानकारी मिली है कि Mi 11 सीरीज के अंदर 3 नए स्मार्टफोन्स लॉन्च होने वाले हैं, जिनका नाम Mi 11, Mi 11 Pro एंड Mi 11 Mini होने वाला है। हाँ, आपने सही सुना, Xiaomi का मिनी स्मार्टफोन इसी महीने चाइना में लॉन्च हो जाएगा। तो दोस्तों, क्या आप लोग Mi 11 सीरीज के लिए एक्साइटेड हो या फिर नहीं, आप वो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं। और दोस्तों, अगर आपको मेरी ये टेक न्यूज अच्छी लग रही है तो वीडियो को जरूर लाइक करना, शेयर करना, और चैनल पर नहीं हो तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करना। तो दोस्तों, MediaTek Dimensity 800U कुछ दिन पहले ही इंडिया में लॉन्च हुआ था, और आज MediaTek ने उनका नया 5G प्रोसेसर MediaTek Dimensity 700 लॉन्च कर दिया है इंडिया में। ये प्रोसेसर बजट स्मार्टफोन्स के लिए 5G प्रोसेसर है, और दोस्तों, हमें अपकमिंग मंथ्स में काफी सारे बजट 5G स्मार्टफोन इंडिया में दिखने को मिल जाएंगे। दोस्तों, सैमसंग के नए TWS ईयरफोन सैमसंग गैलेक्सी बर्ड्स प्रो के HD रेंडर्स आज सामने आ चुके हैं, और वो सभी रेंडर्स मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ। जैसे पता चलता है कि इस TWS ईयरफोन के अंदर हमें 3 कलर ऑप्शंस दिखने को मिलेंगे। आपको इन तीनों कलर्स में से कौन सा कलर ज्यादा अच्छा लगा, आप वो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं। और दोस्तों, सैमसंग के ये नए TWS ईयरफोन्स अगले महीने लॉन्च हो जाएंगे। और दोस्तों, आज की आखिरी न्यूज है Amazfit की तरफ से। तो आज Amazfit की नई स्मार्ट वॉच Amazfit GTS 2 मिनी का प्रोडक्ट पेज Amazon पर लाइव हो चुका है, और इस प्रोडक्ट पेज से ये पता चलता है कि ये स्मार्ट वॉच में एमोलेड डिस्प्ले, SPO2 सेंसर, हार्ट रेट मॉनिटर और भी बहुत अच्छे फीचर्स दिखने को मिलते हैं। और दोस्तों, ये स्मार्ट वॉच Amazfit जल्द ही इंडिया में लॉन्च करने वाला है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतनी ही टेक न्यूज थी। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक करना, शेयर करना, और चैनल पर नहीं हो तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियोस लाते रहता हूँ। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।